संबोधित करने की कृपा करें आदरणीय बहन जी। बहन कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा सपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा सपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा सपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा सपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग बीएसपी सपा व आरएलडी के बने गठबंधन के अपने लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आज मुझे इस भयंकर गर्मी में भी आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं, और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यह खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर लंबे अरसे तक यह कांग्रेस पार्टी पावर में रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में ना तो आप लोगों की यहाँ गरीबी दूर हो पाई, ना बेरोजगारी दूर हो पाई, ना किसान ही हमें खुशहाल नजर आए और ना ही अन्य जरूरतमंद लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के तहत खासकर इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और क्षेत्रों में जो कानूनी अधिकार दिए थे उसका भी पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में जो कानूनी अधिकार दिए हैं यदि आप लोग वास्तव में इनका सही फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग भूल जाओ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में आपको कोई कानूनी अधिकारों का लाभ मिल पाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि यदि आप लोग सही मायने में कानूनी अधिकारों का फायदा उठाना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो
तो फिर आप लोगों को केंद्र और राज्यों में भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस सोच के मुताबिक ही चलकर फिर हम लोगों ने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी भी का भी गठन हुआ और भी पार्टियां आप लोगों के सामने आई। लेकिन यहां मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं कि आज जो केंद्र में और देश के अधिकांश राज्यों में भी जो आज भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही वाला अहंकारी वाला जो राज चल रहा है इसके लिए भी सही मायने में जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। यदि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से कार्य किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी हमें केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता में नजर नहीं आती। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है, जिसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों को, कमजोर तबकों को, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय वे ताकत भी यहाँ इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। और इतना ही नहीं, अब यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं और अभी भी हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी हीन सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, अर्थात अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर
आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद साई हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बड़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब बीजेपी के लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में ही लगे हैं। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियों को भी यहाँ किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आसीन नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दरकिनारी कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का ज्यादातर विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे ये मालूम हुआ है कि कल शायद इधर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए खासकर हमारे गठबंधन पर और श्री अखिलेश यादव
पर हिंट देते हुए इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि गठबंधन का जो काम क्या रह गया है वो केवल आपको बरगला रहे हैं। जो कल उन्होंने कहा ये अपनी बात तो शौचालय से शुरू करते हैं और शौचालय पर खत्म करते हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में तो ज्यादातर श्री अखिलेश यादव मेरे साथ चुनावी जनसभाओं में रहे हैं। उन्होंने किधर ऐसा नहीं कहा कि श्री नरेंद्र मोदी का भाषण शौचालय से शुरू होता है, शौचालय पर खत्म होता है। ये कहा तो जरूर था, लेकिन इनका मकसद ये था कि जो शौचालय इन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाए हैं तो वो अधूरे पड़े हैं। जो ये बार बार कहते हैं कि हमने अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत के लिए शौचालय बनाए हैं, वो बाहर जंगलों में ना जा सके, लेकिन हमारी बहन बेटियों को ऐसे शौचालय नहीं चाहिए, तो शौचालय तो बना दिया, कहीं पे दरवाजा नहीं है, किसी शौचालय में पानी नहीं है। तो यही अखिलेश यादव ने कहा था कि ऐसे शौचालय हमें नहीं चाहिए, हमें शौचालय ऐसे चाहिए जिसमें पानी भी हो और दरवाजा भी हो। तो ये बात उन्होंने कही, अपनी इस कमी को तो बताने की बजाय तो ये इसको दूसरा रूप दे रहे थे। और जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ और पीएम श्री नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहती हूँ और बीजेपी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप लोग जाकर अपने प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को ये बता देना कि बहन बेटियों का जितना ख्याल हमने रखा है मेरे ख्याल किसी भी पार्टी ने नहीं रखा होगा। आप लोगों को मेरी हुकूमत याद है, जब उत्तर प्रदेश में चार बार मेरी हुकूमत बनी तो मैंने अपनी हुकूमत में डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत हमने काफी गांवों को विकसित किया, कई लाख गांवों को विकसित किया। और उसमें पहला काम यही था डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत कि वहां पर शौचालय बनाए जाएंगे और शौचालयों में दरवाजे भी होने चाहिए, पानी भी होने चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए, स्कूल भी होने चाहिए, नाली खड़ंजे भी होने चाहिए, रास्ता पक्का होना चाहिए, कंक्रीट का होना चाहिए। ये काम हमारी सरकार ने किया था और इनसे कई गुना ज्यादा शौचालय हमारी सरकार ने डॉक्टर ग्राम विकास योजना के तहत बनाए हैं। ये जरा आप बीजेपी के लोग अपने नरेंद्र मोदी को बता देना। तो इधर आकर लोगों को गुमराह करना, बहन बेटियों की इज्जत का जहां तक सवाल है तो हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इनसे काफी ज्यादा, कई गुना ज्यादा गंभीर है। माँ बहन बेटियों की हिफाजत के मामले में, इज्जत के मामले में। और इतना ही नहीं, मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ, आपके नजदीकी सोनभद्र जिला लगा है जहाँ पर वो रावर्सगंज लोकसभा की सीट रिजर्व सीट है। तो मैं यहाँ रावर्सगंज के बारे में, सोनभद्र के बारे में ये बताना चाहती हूँ, जब हमारी सरकार थी तो लोग उधर जाते हुए डरते थे, कहते थे कि इधर नक्सली बहुत है, मार देंगे। लेकिन हमने नक्सलियों के साथ उलझी नहीं हमारी सरकार, हमने उनका नक्सलियों का कोई कत्लेआम नहीं किया, बल्कि हमने सोनभद्र को विकास के कार्यों से जोड़ा, पूरे सोनभद्र को हमने बहुत सड़कें बनाई, हमने स्कूल बनाए। और वहाँ पे जो गलत रास्ते पर हमारे लोग चल भी रहे थे तो हमने उनको रोटी रोजी के साधन दिए, जो भी नौकरियां निकली तो हमने प्राथमिकता के आधार पर ज्यादातर नौकरी हमने सोनभद्र लोगों में, सोनभद्र जिले के अंदर वहां पर हमने गरीब लोगों को दी थी, ये भी सोनभद्र के लोगों को ये मालूम है। और मिर्जापुर में भी हमारी सरकार ने और फिर आगे चलकर समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने काफी कुछ कार्य किए हैं। हमारा गठबंधन काम में विश्वास रखता है, जो लोगों को जमीन पे नजर आता है, बीजेपी की तरह हवा हवाई बातें नहीं करता, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ।
तो इसलिए आप लोगों को ये इनको मालूम है कि ये अब बीजेपी के लोग सत्ता से जा रहे हैं, केंद्र में इनकी सत्ता जा रही है, तो इसलिए अब जाते हुए लोगों को जितना भी बन रहा है तो अब ये लोग लोगों को भड़काने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। आप लोगों को गुमराह होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करेगी। इस प्रकार बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को वे अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है, और इन्हें अब यहाँ केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, अपने इस बने गठबंधन को ही देना है जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और अच्छी बात यह है कि सपा प्रमुख अभी तो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आखिरी चरण बचा है। अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने भी अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को भी काफी युद्ध स्तर पर लगाया हुआ है, और वैसे ये खुद भी काफी मेहनत से लगे हैं। इसलिए मेरा तो बीएसपी के लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को भी युद्ध स्तर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को रात दिन मेहनत करके इनको जिताना है। अब तो कुछ ही घंटे वोट पड़ने के लिए बचे, लेकिन फिर भी यहाँ मैं अपने गठबंधन के लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगी, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाएं, तो फिर आप लोगों को यहाँ अपने इस बने गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है, एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है। और ये सब तभी संभव हो सकता है जब इस चुनाव में यहाँ बीएसपी व सपा के लोग अपना एक एक वोट अपने उम्मीदवारों को आप लोग डलवा देते हैं, और खासकर आज ये 2 लोकसभा की सीट का ये चुनाव ये प्रोग्राम हो रहा है, इन दोनों लोकसभा की सीटों पर आप लोग जब सपा के लोग तो अपना वोट देंगे, लेकिन सपा के बीएसपी के लोगों को भी अपना एक एक वोट जरूर ट्रांसफर करना है। और बीएसपी के लोगों को ये सोचना है कि यहाँ पर इन दोनों सीटों पर मिर्जापुर और रावर्ट्सगंज लोकसभा की सीट पर तो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव लड़ रही है।
ये सोचकर इन दोनों सीटों को आप लोगों को ये जिताना होगा। समाजवादी पार्टी के तो लोग लगे हैं, लेकिन बीएसपी के लोगों को ये अपनी पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी और इन दोनों सीटों को आप लोगों को भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। और जब आप लोग अपना एक एक वोट ट्रांसफर कर देते हैं तो ऐसा हो जाने पर फिर इस चुनाव में यहाँ अपने बने इस गठबंधन की ये दोनों सीटें जरूर जीत जाएंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी। और वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि प्रदेश में अभी तक जितने भी चरण के वोट पड़ चुके हैं तो उनकी हमें अधिकांश यहाँ अपने गठबंधन के पक्ष में ही काफी अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। हमारा गठबंधन ही अधिकांश सीटें जीतने के लिए जा रहा है और अब हमारा आगे का ये आखिरी चरण भी इनसे और भी ज्यादा बेहतर ही रहने वाला है, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है। लेकिन इससे अब यहाँ बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है और काफी ज्यादा चिंतित भी है तथा इनकी पूरी नींद भी उड़ी हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके ढीले व लटके पड़े चेहरे अब ये भी बता रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार जा रही है, विदा हो रही है। इसके साथ ही अब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के श्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके सभी चेले चाटों के भी अब इनके 23 मई से ही बुरे दिन आने शुरू हो जाए। और फिर इसके बाद होगा क्या? फिर इसके बाद यहाँ इनके योगी के भी उत्तर प्रदेश में फिर यहाँ इनके योगी के भी मठ में जाने की ही तैयारी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से अपनी ऐसी खराब स्थिति को देखते हुए अब ये लोग यहाँ की जनता की सहानुभूति लेने व उन्हें गुमराह करने के लिए भी किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत ही इन्होंने यहाँ हमारे गठबंधन को कमजोर करने व इसे तोड़ने के लिए भी खासकर बीएसपी व सपा में किस्म किस्म के भ्रम पैदा करने की भी पूरी पूरी कोशिश की है चुनाव के दौरान में, जिसमें इनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है, जिसको लेकर भी ये लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ मैं इनको ये बात जरूर बता देना चाहती हूँ, अब यह हमारे गठबंधन के मामले में इनकी फूट डालो राज करो की नीति कतई भी चलने वाली नहीं है। हमारा ये गठबंधन, खासकर हमारा सपा और बसपा का बना ये गठबंधन, ये बहुत मजबूत गठबंधन है, ये लंबा चलने वाला गठबंधन है। ये बीजेपी और इनके एनडीए की तरह ये महामिलावटी गठबंधन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन का महागठबंधन है। ये गरीबों का, किसानों का, दबे कुचले लोगों का, मुस्लिम समाज के लोगों का, अकलियतों का, ये सामाजिक परिवर्तन का महागठबंधन है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ, हमारा ये गठबंधन जब तक चुप नहीं बैठेगा तब तक हम लोग केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी श्री योगी की सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देते हैं। और अब अंत में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमने गठबंधन के तहत यहाँ तो समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर लोकसभा की सीट से श्री रामचरित्र निषाद को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके बीच में इधर खड़े हैं, अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये श्री नरेंद्र मोदी की तरह तो ये नकली ओबीसी नहीं है, ये फर्जी नहीं है, ये असली है। तो आपको असली जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो आपको असली को जिताना चाहिए, नकली नरेंद्र मोदी की बात आपको नहीं माननी चाहिए। तो मिर्जापुर लोकसभा की सीट से समाजवादी पार्टी के ओर से श्री रामचरित्र निषाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बगल में ही रावर्ट्सगंज लोकसभा की सीट रिजर्व है और इस सीट पर
श्री भाई लाल कौल चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि इन दोनों सीटों पर गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के ये जो दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वे समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है, और इसके बाद ही फिर आपको अपना कोई जलपान आदि करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, जो आज भी बड़ी तादाद में हमें यहाँ सुनने के लिए आई हुई हैं, जिनकी मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ। मैं अपनी महिलाओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वोट वाले दिन आप अपने घर में काम काज बाद में करेंगे, सबसे पहले अपने पुरुषों को साथ में लेकर अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जरूर जाएंगे। इसके साथ ही तो आपकी दोनों लोकसभा की सीट पर जो पोलिंग बूथ की कमेटी बनी है, तो पोलिंग बूथ की कमेटी के लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वोट वाले दिन आप लोगों को ये देखना है कि आपके पोलिंग बूथ के क्षेत्र का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, एक एक वोट आपका जरूर पड़ना चाहिए, ये पोलिंग बूथ की कमेटी को ये ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए तो मैं पुनः तो समाजवादी पार्टी के ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, मिर्जापुर लोकसभा की सीट से श्री रामचरित्र निषाद को, रावर्ट्सगंज रिजर्व सीट से श्री भाईलाल कौल को, इन दोनों को तो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएंगे, जरूर इनको जिताएंगे। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, लेकिन अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ, जय भीम, जय लोहिया व जय भारत। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।